हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ऑथराइज्ड कैपिटल। तो बताइए ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है। ठीक है, चलो सबसे पहले मेरे को ये बताओ ऑथराइज्ड कैपिटल को और क्या बोलते हैं। पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, ऑथराइज्ड कैपिटल को और क्या बोलते हैं। तो बताइए मुझे इसका आंसर। बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास। ऑथराइज्ड कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं और हम उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये रजिस्टर्ड कैपिटल, ये नॉमिनल कैपिटल, ये ऑथराइज्ड कैपिटल होती क्या है, बताइए मुझे इसका आंसर। बिल्कुल सही आंसर आया मेरे पास। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या है। व्हाट इज मेंट बाय ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट कैन बी इशूड बाय अ कंपनी इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब क्या, अपर लिमिट, इससे ऊपर नहीं इशू कर सकते, उसको बोला जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सौरभ, शिरिन एंड सोमेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, 3:1। सोमेश रिटायर्स एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सौरभ एंड शिरिन इज 3:2। द गेनिंग रेशियो बिटवीन सौरभ एंड शिरिन विल बी 3:2, 3:1, 1:1, 2:1। तो मैं देता हूं आपको एक मिनट का समय, करें वीडियो को पॉज और बताएं मुझे इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3:2। जिसने भी पेन पेपर लेके सॉल्व किया है ना, उसका मतलब ये उसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। ठीक है, जिसने पेन पेपर लेके सॉल्व किया उसकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है। हाँ सही है, कैलकुलेशन सही है लेकिन प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। कैसे, देखो हमने एक केस पढ़ा हुआ है जब कोई पार्टनर, एबीसी तीन पार्टनर होते हैं और एक पार्टनर रिटायर हो जाता है और हमको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती, तो हम ये बोलते हैं कि उनका जो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में जो ओल्ड रेशियो होगा वही उनका न्यू रेशियो होगा और वही उनका गेनिंग रेशियो होगा। याद आ रहा है कुछ, हमने ऐसा केस पढ़ा है जब कोई तीन पार्टनर होते हैं, रिटायर होता है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती, तो हम ये कहते हैं जो उनका बीच का ओल्ड, जो उनके बीच का शेयर होगा वही उनका गेनिंग शेयर होगा, वही उनका न्यू शेयर होगा। तो क्वेश्चन में ये रह रहा 3:1, 1 वाला गया और उनका नया रेशियो भी गया 3:2, तो ऑटोमेटिकली गेनिंग रेशियो भी कितना हो जाना चाहिए था, 3:2। ये जो माइंडसेट है ना, ये आपको प्रैक्टिस करने के साथ बार बार डेवलप होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपने उसको ओल्ड माइनस न्यू कैसे करके किया होगा ना, तो भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं इसका आंसर। कभी कभार हमको ऐसा लगता है इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ गया, बट आ जाता है, आपकी किस्मत अच्छी हो तो आ जाता है। वो कहते हैं अपने कहावत सुनी, वो शाहरुख खान भी बोलते हैं और वो एक किताब है द एल्केमिस्ट, कभी आप पढ़ना, द एल्केमिस्ट एक किताब है, काफी अच्छी किताब है। उसमें बोला गया और वो शाहरुख खान का फेमस डायलॉग भी है, जब किसी भी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, बस अपने एफर्ट्स करते रहो, आप बस अपने एफर्ट्स करते रहो आप, और अपने मन में एक चीज रखो। बिल्कुल सही, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अभी तो पहले दो क्वेश्चन देखो, पहले दो क्वेश्चन बड़े सिंपल थे, मुझे नहीं लगता आज का कोई क्वेश्चन टफ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000 ड्यूरिंग द ईयर, मोहित शेयर इन प्रॉफिट्स विल बी, बताइए मुझे इसका आंसर क्या है। इसका किसी ने भी अगर हाथ से सॉल्व किया ना, मैं सही बता रहा हूं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मोहित एंड रोहित पार्टनर्स हैं, 80,000-40,000 उनकी कैपिटल है, फर्म ने प्रॉफिट कमाया 30,000 का, तो बताइए मोहित का शेयर कितना हुआ इस प्रॉफिट के अंदर। जो मैं सोच रहा था कुछ बच्चे गलती करेंगे और वो ही उन्होंने गलती करी। ठीक है, दो बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया, दो बच्चों का आंसर बिल्कुल ही गलत आया। जरा डिस्कस करते क्वेश्चन को। बच्चों, क्या यहां पर हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, क्या हमको यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है? द आंसर इज नो, क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा। तो पार्टनरशिप का पहला ही चैप्टर फंडामेंटल वाला हमको क्या बोलता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लेंगे, 1:1 लेंगे या फिर कैपिटल का रेशियो लेंगे। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या लेंगे। बिल्कुल सही,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखेंगे 1:1। तो 30,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो दो पार्टनर्स कैसे बांटेंगे, हाफ हाफ बांटेंगे। ये चीज क्लियर हो गया, समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल सही, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी 15,000। कहने का मतलब ये है फंडामेंटल चैप्टर की फंडामेंटल आपकी ठीक नहीं है, जब क्वेश्चन में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे ही नहीं रखा तो आपने कौन से रेशियो में बांट दिया भाई मेरे, कैपिटल के रेशियो में 2:1 में, किसने बोला ये करने के लिए, बताइए मुझे इसका आंसर। आज आईने में देख के अपने आपको बताना ये वाला आंसर कि आपको 2:1 किसने बोला करने को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब ये क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डैश पार्टनर्स इन डैश रेशियो। अरे हाय, ये क्वेश्चन है कोई, ये बोर्ड का कोई क्वेश्चन है ये, और एक्चुअल में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका जो आंसर है वो है ओल्ड स्क्वायर, ठीक है ना, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। जब भी रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, ठीक है, उस डेथ हो, उस केस में क्या होता है, जो भी रिवैल्यूएशन पे जो असेट होता है, रिवैल्यूएशन पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलो इसमें एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूं। मुझे जरा आप ये बताइए, अगर क्वेश्चन में बोला गया बैलेंस शीट को चेंज नहीं करना, बैलेंस शीट को हिलाना नहीं है, छेड़ना नहीं है, तो बताइए उस प्रॉफिट को कौन से कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बताइए मुझे। अगर पोर्शन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करो बट बैलेंस शीट को नहीं छेड़ना, बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यूज को ही कंटिन्यू रखना है, तो बताइए मुझे उस केस में क्या एडजस्टमेंट किया जाता है, प्रॉफिट के केस में क्या किया जाता है और लॉस के केस में क्या किया जाता है, बताइए मुझे इसका आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। जो मैंने आपसे क्वेश्चन द्वारा पूछा हुआ ये था, अगर क्वेश्चन में बोला जाए रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट करना है पर बुक्स को अफेक्ट नहीं करना, तो बेटा ये हमने फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ रखा है या हमने एडमिशन चैप्टर में पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट, वो ये बोलता है कि अगर अभी कभी भी आपको अगर बुक्स को छेड़ना नहीं है पर अमाउंट्स को एडजस्ट करना होता है, तो अगर हमारे पास प्रॉफिट होता है तो हमारी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और अगर कोई लॉस होता है तो एंट्री क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। ये आपको चीज समझ में आई, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन की अमाउंट्स लिखोगे, आप देखोगे प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है तो एंट्री पास होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर लॉस आ रहा है तो एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको कहां मिलेगा पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा चेंज इन पीएसआर में मिल जाएगा, एडमिशन में मिल जाएगा, रिटायरमेंट में मिल जाएगा और डेथ में भी मिल जाएगा, पर ऐसे क्वेश्चंस फंडामेंटल हो चेंज इन पीएसआर और एडमिशन में ज्यादा आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर मोबाइल स्क्रीन पर ऑलरेडी है वार्नियर लिमिटेड फोरफीटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹40। फिर से रिपीट करते हैं, फोरफीट कर रहे हैं 20,000 शेयर ₹100 के जो पेमेंट नहीं हुई है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹40 की, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है, मुझे जरा आप इसका आंसर बताइए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, किसी को अगर गलती लगे तो वो देख लेना कि हाँ भाई कैसे सॉल्व होना है। क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास 20,000 शेयर थे जो हमने फोरफीट करे हैं, ₹100 का एक शेयर था और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने ₹40 की पे नहीं करी थी, इसलिए मतलब क्या हमने ₹60 पे कर दिए होंगे, बिल्कुल सही। और हम फोरफीट कितना करते हैं, अमाउंट शेयर फोरफीट हम कितना करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू पेड, हाँ है ना, टोटल अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू पेड। तो 20,000 इंटू 60 कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 12 लैक्स। तो 12 लैक्स हमने फोरफीट किया होगा, हाँ है ना, बिल्कुल सही। तो डिस्काउंट भी कितना दिया जा सकता है, अमाउंट फोरफीटेड मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट फोरफीटेड, ठीक है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा 12 लैक्स। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से कमजोर हैं, आप प्लीज एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 12 लैक्स। क्वेश्चन नंबर 6, डैश मींस एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स बाय अ कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। मतलब हम कौन सी सिक्योरिटीज कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को देते हैं पब्लिक की बजाय, उस चीज को हम क्या बोलते हैं। और टेक्निकली बोलूं, जो हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ रखा है, बताइए मुझे इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। ये चीज क्लियर हो गया, ये क्या हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और तो बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन है, शेयर की थ्योरी में से इन्होंने निकाल कर दिया है, तो इसका आंसर हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जरा देखिए, रीड करें। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, ओल्ड एग्रीमेंट खत्म, न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट। तो बताइए इसमें से कौन सा ये चीज नहीं कर रहा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या फिर डेथ ऑफ पार्टनर। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर और देखते हैं कि क्या है। अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि बिजनेस चल रहा है, बस कुछ फेर बदल हुआ है। हाँ यार, बिजनेस चल रहा है, बस कुछ फेर बदल हुआ है। पहले कुछ फर्म अलग तरीके से चल रही थी, अब फर्म कुछ अलग तरीके से चलेगी। हाँ है ना, बिल्कुल सही। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है, एक पार्टनर जाता है और सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाती है, तो उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसमें पहले रेशियो कुछ और था, अब रेशियो कुछ और है। ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हुआ, न्यू एग्रीमेंट आ गया, स्टार्ट हो गया। फिर आता हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, शटर बंद, घर चले गए। तो यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है या फिर शटडाउन हुआ है, बताओ जरा मुझे इसका आंसर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, शटर डाउन, सब सामान बेच बाच के लाइबिलिटी का पेमेंट करके जो पैसा बचा वो घर ले गए। तो यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है फर्म का या फिर यहां पर शटडाउन हुआ है, बताओ मुझे इसका आंसर। और ए वाले के अंदर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, बताओ मुझे इसका आंसर क्या है। बी वाले में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है, तो वहां पर बिजनेस अभी भी चल रहा है। जो घर में गए ना वो कहां गए हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में गए हैं, समझे। बिल्कुल सही। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब जिनको नहीं आया समझ में, जरा मेरे को फिर से समझा देता हूं। डेथ ऑफ पार्टनर में क्या हुआ, एक पार्टनर गया, एग्रीमेंट चेंज होगा, बिजनेस चलता रहेगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में काम चलता रहेगा, पहले कुछ अलग तरीके से काम हो रहा था, अब अलग तरीके से काम होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होगा, पहले किसी तरीके से पार्टनरशिप चल रही थी, अब किसी और तरीके से पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में शटर डाउन, लाइबिलिटीज पेमेंट असेट बिक गए, पैसे जो बचा कर लो और निकलो, तो यहां पर बिजनेस बंद हो रहा है। तो इसलिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बिजनेस ही बंद हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया, बिल्कुल सही, उसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8, जयपुर क्लब हैज अ प्राइज फंड ऑफ ₹6 लाख एंड इट इनकर्स अ प्राइज ऑन इट इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन प्राइजेस अमाउंटेड टू ₹5,20,000। द एक्सपेंसेस शुड बी, बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट करेंगे, असेट साइड में दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट करके असेट साइड में दिखाएंगे, या फिर प्राइस फंड में लायबिलिटी साइड से डिडक्ट करके दिखाएंगे, तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आते हुए मेरे पास, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो मैं आपको वैसे ना बता के सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि हाँ भाई क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं।
ठीक है, जिनको आता है वो इग्नोर कर दें, जिनको नहीं आता वो अच्छे से देखें। तो देखो ये हमारी बैलेंस शीट है मेरी प्यारी प्यारी हैंडराइटिंग में, जिसकी मैं लाइनें स्ट्रेटने बनती हैं। प्राइस फंड है हमारे पास 6 लैक्स का, ठीक है, यहीं पर लिखते हैं कहीं और लिखते हैं? बिल्कुल यहीं पर लिखते हैं। और एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं? 5-20 के। तो 80,000 जो आएगा वो कहाँ आएगा? लाइबिलिटी साइड ही तो आएगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस फंड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9, ये सब मुझको ओरली बताएंगे, ठीक है, कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक्वायर्ड मशीनरी फॉर ₹10 लाख, पेइंग 10% इमीडिएटली इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ वेंडर पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। तो बताइए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना होगा? तो बात करते हैं इसका आंसर। देखो इसका आंसर है ना दो हो सकते हैं, एक 1 लाख हो सकता है और एक इसका आंसर 10 लाख हो सकता है, ठीक है। अब कैसे होता है जरा मैं आपको ये बताता हूँ। देखो सीबीएसई की अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई ने इसका आंसर 1 लाख दिया है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर दो हो सकते हैं, एक 1 लाख भी हो सकता है और एक 10 लाख भी हो सकता है। कैसे हो सकता है जरा ये डिस्कस करते हैं। देखो इन्होंने बोला है हमने 10 लाख की मशीनरी ली है, 10% कैश इमीडिएटली पे कर दिया है और हमने बाकी 3 महीने बाद हमने बीपीओ बैलेंस ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, बिल्स पेबल हमने कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम ईयर एंड में बनाते हैं, तो अगर मैं इसकी उसमें कोई डेट भी नहीं दे रखी है, तो अगर मैं डेट मानू मैंने ईयर एंड ईयर की स्टार्टिंग में अगर मशीनरी खरीदी हो तो ऑब्वियस सी बात है 3 महीने के अंदर पेमेंट हो जाएगा मेरा। तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा? पूरा 10 लाख आ जाएगा। हाँ या ना, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर मैं ये मानू कि मैंने ईयर एंड पे खरीदी है तो उस केस में इसका आंसर 1 लाख आएगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आंसर 1 लाख भी आ सकता है, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1 लाख भी आ सकता है, 10 लाख भी आ सकता है, बट सीबीएसई के आंसर के हिसाब से इसका आंसर 1 लाख है, ठीक है। चलिए तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप मान के चलना लास्ट डेट पर हमने परचेस करी होगी, तो फिर आप आंसर उस हिसाब से करिएगा तो आपका आंसर 1 लाख ही आएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्या बात है हमारे पास 10 से ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। स्टेट गिविंग रीजन, रीजन देना है वेदर इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश विल रिजल्ट इन नो फ्लो आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ कैश। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या फिर नो फ्लो होगा, और रीजन के साथ बताइएगा मेरे को इसका आंसर। बिल्कुल सही आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा नो फ्लो ऑफ कैश। क्यों है इसका आंसर नो फ्लो ऑफ कैश? बिकॉज देयर इज नो कैश इन्वॉल्व, या ये कह सकते हो देयर विल बी नो चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, देयरफॉर देयर विल बी नो फ्लो ऑफ कैश, ठीक है। दो रीजन ले सकते हो, देयर इज नो कैश इन्वॉल्व देयरफॉर देयर विल बी नो फ्लो ऑफ कैश, और या फिर आप ले सकते हो देयर विल बी नो चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाय दिस ट्रांजेक्शन देयरफॉर इट विल रिजल्ट इन नो फ्लो, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ओ माय गॉड, मेरे पास 12 क्वेश्चन भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें से कौन सी एक लिमिटेशन दे रखी है? इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी, इट जजेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रिपे इट्स डेट, इट आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, इट असर्टेन्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो बताइए मुझे इसमें से कौन सा एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, बताइए। आइए अब डिस्कस करेंगे इसका आंसर। लास्ट से शुरुआत करते हैं। इट असर्टेन्स द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म, भैया ये तो अच्छी बात बता रहे हैं, तो लिमिटेशन कहां से हुई? इट आइडेंटिफाई रीजन फॉर द चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन, वो रीजन बता रही है अभी फाइनेंशियल पोजिशन कैसे चेंज हो रही है, ये भी अच्छी बात है। इट जजेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रिपे इट्स डेट, तो ये भी अच्छी बात बता रहे हैं। इट्स जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी, ना 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 भाई ये आपकी एडवांटेज नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी।
आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 12, क्या बात है, आज तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन है। एस पर स्केड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कॉल्स इन एरियर, आई रिपीट, कॉल्स इन एरियर विल बी प्रेजेंटेड अंडर विच हेड ऑब्लिक सब हेड। हेड मतलब शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट असेट्स, और सब हेड मतलब उनके अंदर वाला इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। तो मुझे बताइए कॉल्स इन एरियर कहाँ दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में, करंट लाइबिलिटीज में, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज में, या फिर शेयर होल्डर्स फंड में? तो बताइए मुझे इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर भी शेयर कैपिटल के अंदर दिखाया जाता है, नोट्स टू अकाउंट में माइनस करते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो कॉल्स इन एरियर को हम बैलेंस शीट के नोट्स अकाउंट में माइनस करते हैं। तो एट प्रेजेंट ये कहां दिखाया जाता है, शेयर होल्डर्स फंड में। अच्छा, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्यों नहीं है, भैया पैसा आना है तो लाइबिलिटी कहां से हुई, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, पैसा आएगा, तो करंट लाइबिलिटी भी दी हुई, और ये प्रॉफिट नहीं है तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में भी नहीं आएगा। ये आपको चीज समझ में आई, कॉल्स इन एरिया का मतलब होता है कि पैसा जो बुलाया था वो भी आया नहीं है, तो एक तरीके का एसेट है, ठीक है, लेकिन इसको हम शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल के नोट्स अकाउंट में माइनस करके दिखाते हैं। ये क्लियर हो गया, लाइबिलिटी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पैसा आना है तो लाइबिलिटी थोड़ी ना हुआ, और ये प्रॉफिट का हिस्सा भी नहीं है तो इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं हुआ, तो रिजर्व एंड सरप्लस में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर्स फंड के शेयर कैपिटल में आएगा, बट शेयर कैपिटल नहीं बोला, तो आप शेयर होल्डर्स फंड लिख दोगे तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। ध्यान रखना यहाँ पर सब हेड पूछा है, मेन हेड नहीं पूछा है, तो इसका आंसर ना तो शेयर होल्डर्स फंड होगा, ना ही नॉन करंट लाइबिलिटी होगा, ना ही करंट लाइबिलिटी होगा, ना ही नॉन करंट असेट होगा, ना ही करंट असेट होगा, तो उसके जो अंदर के सब हेड्स है ना वो इसमें आंसर होंगे। तो मेरे को बताइए इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन लोन्स किसके अंदर आएगा? बिल्कुल सही, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है अदर करंट लाइबिलिटीज। आई होप ये क्वेश्चंस करने में आपको मजा आया होगा, आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, और आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन पढ़ते रहिए, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।